आज की कहानी हमारी है हनी बी की। किसकी? हनी बी में हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। थोड़ा अजीब तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है यहाँ पर, जिसको हम लोग कहते हैं हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो फीमेल होती है उसके पास 32 क्रोमोजोम होते हैं, डिप्लॉयड होती है फीमेल, यहाँ पर डिप्लॉयड होती है, लेकिन जो मेल होता है उसके पास 16 क्रोमोजोम होता है और वो हैप्लॉयड होता है। फीमेल में वर्कर और क्वीन हो सकती हैं, मेल वाले को हम लोग ड्रोन बोलते हैं। अब फीमेल जब भी गैमीट बनाएगी तो मियोसिस के थ्रू बनाती है, और जो मियोसिस के थ्रू क्रोमोजोम बनेगा उसमें 16 क्रोमोजोम होंगे, क्योंकि इसके पास 32 हैं, 16 दूनी 32। ये जो गैमीट बन गया, अब क्या होता है कि ये गैमीट ही डेवलप कर जाता है न्यू ऑर्गेनिज्म में, कहीं किसी और गैमीट की जरूरत ही नहीं इसको, ये गैमीट ही डेवलप कर गया न्यू ऑर्गेनिज्म में। ये गैमीट न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर गया तो 16 का 16 हो जाएगा, डेवलप कर जाएगा, ड्रोन बन जाएगा, मेल पैदा होगा। अब इसमें किसी की जरूरत नहीं पड़ी, किसी की जरूरत नहीं पड़ी यहां पर। इसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस, बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का तरीका है, यानी मेल जो होता है हैप्लॉयड होता है, यहां मेल हो गया पैदा। अभी जो मेल पैदा हुआ है इसका इसका कोई भी पापा नहीं है, कोई भी पापा नहीं है, ये सीधे मदर के गैमीट से ही डेवलप कर गया, कोई भी यहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। लेकिन जो मेल पैदा हुआ है जिसके पास 16 क्रोमोजोम अगर है, जिसको हम लोग ड्रोन बोल रहे हैं, वो जब गैमीट प्रोड्यूस करेगा तो गैमीट हमेशा हैप्लॉयड ही होते हैं, और मेल यहां पर हैप्लॉयड है। जब मेल यहां पर गैमीट प्रोड्यूस करेगा तो उसके पास 16 क्रोमोजोम होंगे, माइटोसिस के थ्रू प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि गैमीट हमेशा हैप्लॉयड होते हैं। अभी जो मेल गैमीट है, और अगर फीमेल से भी गैमीट बन रहा है और वो पार्थिनोजेनेसिस ना होकर यहां पर इन्वॉल्व हो रहा है, क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन के लिए, तो 16 फीमेल वाला ओवम और इसका स्पर्म, ये दोनों जब फ्यूज करेंगे तो बनेगा जाइगोट, यानी 2N बनेगा, और 2N बनेगा तो फिर ये डेवलप कर जाएगा जाइगोट एम्ब्रियो में, फिर यहां से फीमेल जो प्रजननी होती है वो पैदा होगी। यानी दो केस नजर आते हैं, एक केस में पार्थिनोजेनेसिस हो रही होती है और दूसरे केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होता है। फीमेल जो होती है 32 क्रोमोजोम होती है और मेल जो होता है 16 होता है। यानी आप देखोगे तो मेल का कोई भी पापा नहीं होगा, लेकिन इस मेल का कोई भी पापा यहां पर नहीं है, लेकिन इस मेल का यहां पर डॉटर तो यहां पर है ही, देख ही रहे हो, इस मेल के तो डॉटर यहां पर है, और इस मेल का दूसरा, इस मेल का यहां पर कोई भी पापा नहीं है, लेकिन इसके पास ग्रैंडफादर होंगे, ग्रैंडफादर तो होंगे ही होंगे, बोलो सही बात है। तो सिर्फ इसके पास कह सकते हैं हम लोग कि ड्रोन का कोई भी ना कोई सन होता है ना कोई पापा होता है, लेकिन उसके पास मदर होती है, ग्रैंडफादर होते हैं, ग्रैंड सन हो सकते हैं, है ना, क्या हो सकते हैं, समझ रहे हो बात को, ये चीज देखने को यहां पर मिलती है। ये पार्थिनोजेनेसिस का केस है, सेक्स डिटर्मिनेशन में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेनोमेना आपको देखने को मिलता है।